सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर, प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे जब मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूँ, शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन तक सुसमाचार पहुंचाया जाए। सभी चतुर हैं, करा कितने लोग हैं यहाँ पर, करा अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर आने वाले हैं। अपने पड़ोसी को चुटी मार के बोलो कि मैं तुझे बाहर फेंक दूंगा आज। सॉरी, बोलो मैं अपने पुराने स्वभाव को बाहर फेंक दूंगा आज। मैं गलत बोल गया। सारे बोले हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब ये औरत जान चुकी है, चंगी हो गई है। इसको पता लग गया है कि मेरे पैसे ने मुझे चंगाई नहीं दिया। अरे लोग हैरान थे, बोलते अरे सालों साल से हम तेरे चर्च में आ रहे हैं बजिंदर सिंह, अरे जीजस हम तेरे चर्च में आ रहे हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, दान देते हैं। लेकिन यीशु को गुस्से में कह रहे होंगे, बोल रहे कि इसका क्या मतलब है, ये औरत कैसे चंगी हो गई, हम कितनी देर से लाइन में खड़े हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें नहीं पता, इस औरत के स्वभाव ने मुझे छू लिया है। आज इसने अपना मन नम्र कर दिया है, इसने अपने घमंड को छोड़ दिया है, इसने पुरानी बातों को फेंक दिया है। ये जलती है लोगों से, ये ईर्ष्या करती थी, ये चालाक थी, झूठ बोलती थी, गालियां देती थी, शराब पीती थी, नशा करती थी, लेकिन इसने आज अपने मन को बदल लिया है। आज ये अपने पुराने कपड़ों को, आज अपने मन के पुराने वस्त्रों को, आज अपने पुराने स्वभाव को इसने उतार कर फेंक दिया है। अगर आज आप फैसला ले रहे हैं अपने पुराने स्वभाव को बाहर फेंकने का, मैं कह रहा हूं आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं पौलुस को परमेश्वर ने बताया, इफिसियों 4:22 में पढ़ेंगे जल्दी से। हां हां, क्या आप यीशु को छूना चाहते हैं? यस। जो छूना चाहते हैं जोर से हालेलुया बोलकर चिल्लाओ आज। यस। हां, पढ़ेंगे इफिसियों 4:22 कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? कह रहा कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने, सारे बोलो पिछले, ओए पिछले साल वाले चाल चलन को छोड़ दो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ओए पिछले संडे वाले चाल चलन को छोड़ दो। सुन रहे हो? चार चाहते हैं हर संडे, लेकिन संडे आते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल देखो क्या लिखा, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उसको उतार डालो। क्या लिखा पौलुस यहां पर बोल रहा है? कह रहा है कि तुम अगर परमेश्वर से आज चंगाई चाहते हो, आज चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हें छुए, आज तुम्हारे बिजनेस को छुए, तुम तरक्की करो, तुम्हारे बच्चे को छुए, तो कह रहा है आज तुम्हें अपने पुराने गंदे स्वभाव को उतार डालना होगा। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा आज तुम्हें वो गुस्से वाले स्वभाव को उतार डालना होगा। मम्मी मैं नहीं खाना खाऊंगी, ये पड़ी तेरी खिचड़ी, चल। कह रहा पुराने स्वभाव को उतार डालना होगा। पति देव 12 बजे आएंगे, गेट टाइम पे नहीं खोला तो पत्नी को 2 डंडे लगाएंगे, स्वभाव छोड़ना है, शराब पी कराएंगे, गाली देंगे। आज आपने कितनी बार करे परमेश्वर के सामने अंगीकार किया है, कितनी बार आपने पश्चाताप किया है, लेकिन आज फिर भी वैसे के वैसे ही हैं। पौलुस जानता है, इसलिए पौलुस ने लिख दिया यहाँ पर, कह रहा पिछले संडे के स्वभाव को छोड़ दो। पिछले संडे के मैं क्या कर रहा हूँ, लिखा कि तुम पिछले चाल चलन के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हरियाणा, हमारे हरियाणा में औरतें जब पानी भर के लाती हैं तो सिर पे चलती हैं ऐसे घड़ा रख के, उस चाल चलन की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो यहाँ से हटाकर यहाँ चलने लगी आजकल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से हटा के यहाँ चलना है, कह रहा ये चाल चल नहीं। कह रहा जो तुम अपने विचारों में चाल चल रहे हो अपनी जठानी के लिए, जो तुम चाल चल रहे हो अपने पास्टर के लिए, जो चाल चल रहे हो तुम अपने मनों में विचार कर रहे हो, कह रहा किसी लड़की के लिए, फोटो खींच लिए, हालेलुया। आप समझ रहे हैं आपके अंदर विचार चल रहा है, कह रहा कौन सी चाल चल रही है, अपने पड़ोसी को बोला कौन सी चाल चल रहा, तो मैं यहां से जाने के बाद मेरा काम नहीं हुआ, मैं यीशु मसीह को छोड़ दूंगा। एक चाल चल रहे हो आप, आपका दिमाग आपका चाल चल रहा है, मुझे बीमारी हो गई है, मेरा पैसा खत्म हो गया है, मैं सट्टा लगाऊंगा। आज रात परमेश्वर तेरा बाटा बनाएगा। मैं कह रहा हूं कि आज उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, कह रहा है पौलुस ने कहा, कह रहा अपने चाल चलन को उतार डालो। क्या करो? उतार डालो। मैं आज आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कोई लड़का मेरे पास आए, हाँ शाबाश ये गंजा सा ठीक है, हाँ आ जाओ बेटे ये गंजा है, देखो शाबाश।
मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्या आप मेरी एग्जांपल को मानेंगे आप? देखो ध्यान से, बुरा नहीं मानना, लाइव चल रहा है, ठीक है? हाँ, कहाँ जा रहा है? सुनो अभी पुराने स्वभाव को उतार डालो। ये कमीज एक पुराना स्वभाव है, सुन रहे हो? हाँ, बटन खोल दे सारे, चल जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी। क्या देख रहा? पुराने स्वभाव को, पुराने मनुष्य तत्व को उतार दो, ये पुराना स्वभाव है। एक लड़का स्कूल जाता अपनी माँ के साथ, और स्कूल जाते हुए वो कमीज लेता, कोट डाल लेता, और डालने के बाद फिर क्या करता? उसके बाद डालने के बाद क्या करता पता है? स्कूल में ठीक, जब घर पे आया अपने कपड़े उतारे, कमीज उतारी, फिर लड़कों के साथ कंचे खेल रहे, गालियां दे रहे, टैन 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 टैन। इसका मतलब क्या है? कर आजकल बहुत सारे लोग संडे चर्च आते हैं, बस संडे चर्च, हालेलुया किदा, और घर जाके नई चाल चलते हैं, नई चाल। आप समझ रहे हैं कि नहीं? शराब पीते, तंबाकू खाते हैं, झूठ बोलते हैं, बकते हैं, दो उधर की बातें, चाल चलते हैं, करेंगे ठगियां मारते हैं एक दूसरे के साथ। मैं कह रहा हूं कैसी भी चाल आप चल रहे हैं, क्या लालच कर रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि आज एक बालक के समान कह रहा है कि अपने पुराने कपड़े उतार दो। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? हाँ, कमीज उतार दे। अरे आदम हवा नंगे ही आए थे, क्यों घबरा रहे? सुनो, उतारो और उतार कर वहां रख दो, चलो उतार डालो। मैंने क्या बोला इसको? अपने स्वभाव को उतार डालो। और इस लड़के ने क्या किया? आजा, अपने स्वभाव को उतार डाला कि नहीं? आज से सुधर गया कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। चल जा बैठ जा अपने सीट पे, ले ले। हाँ इधर देखा, देखा आपने? मैंने इसको एग्जांपल दिया एक कि अपने स्वभाव को उतार डालो, और उतार कर फेंक दिया, और जब घर जा रहा है तो इसको उठाकर फिर से पहन के जा रहा है। है? आया है चर्च में? आज चर्च में ऐसे ही आते हैं लोग, है ना? हाँ, पकड़ो जरा हमारा माइक पकड़ो। मैंने बाइबल पढ़ी, उसमें पीएचडी किया मैंने, मैंने कहा काश पौलुस यहां पर लिख देते कि तुम अपने पुराने स्वभाव को उतार डालो, लेकिन मैं कहूंगा कि अपने पुराने स्वभाव को फेंक डालो या फाड़ डालो। हाँ, इसको फाड़ो। ये लो, इसके पुराने स्वभाव को, ये मैं अगर इस कमीज को उतारने को बोलूंगा तो लोग क्या करते हैं? फिर डाल लेते हैं। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह से, पुराने स्वभाव को फाड़ डालो आज। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, फाड़ दिया। आप डाल के दिखाना है, आप डाल के दिखाओ। हाँ सर, है गंजे, देखो। सारे बोलो हालेलुया। आज मुझे गुस्सा आ रहा है। देखो पास्टर जी, हम आपकी कभी बुराई नहीं करते, चर्च में बैठते हैं, बाहर जाके मेरी बुराई करते हैं, लेकर मम्मी के साथ झगड़ा करते हैं घर जाके, लेकर बाप को उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकर फिर जाके लड़कियों की फोटो खींचते हैं कॉलेज के बाहर खड़े होकर, चल कर, फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं हम ये गंदा काम नहीं करेंगे, लेकर है हम सेवा करने आए हैं यहाँ पर, फिर अत्यधिक शादी करा दो, लेकर ले जाओ अपनी कमीज। सारे बोलो आप समझ रहे हैं? इसको मैंने एक एग्जांपल करके दिखाया आपको कि आज बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि चर्च में आते हैं और पौलुस के वचन को सुनने के बाद बोलते हैं कि हम भी अपने कपड़े पुराने स्वभाव के उतार देंगे, और लेकिन बहुत सारे दूध के धुले नहीं बैठे यहाँ पर, अभी ठीक बैठे हैं, और घर जाने के बाद अपने पड़ोसी कहेंगे जय मसीह की, अग्गा जाकर तेरी टांग टूट जा। हालेलुया, देख जरा। हाँ, और देखो अभी क्या, मेरे को किसी ने 5,000 की कमीज दिया, मैं इस लड़के के लिए लेके आया हूं अभी। आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं कि नहीं? अरे तनिक हमारी तरफ देख रहे हो कि नहीं? तो आपको सुन रहे हैं, कह रहा पुराने स्वभाव को जो लोग उतार फेंकेंगे, यीशु मसीह आएगा और एक दिन ऐसे नए कपड़े पहना कर देकर जाएगा। आमीन। समझ में आया कि नहीं? अब ये तुम्हारा है, पहन लो इसको, वहां बैठ जाओ। सारे बोले हालेलुया। और ये
नहीं ले जा। हालेलुया।